कौन हो तुम लोग और ये हथियार लेकर पुलिस स्टेशन में काबू से जा रहे हो? इन सारे हथियारों के लाइसेंस है मेरे पास और आज तक इस लाइसेंस के बारे में मुझसे किसी ने नहीं पूछा। आइकला गुजरात का मशहूर डॉन रमाकांत है। ऑफिसर, अगर कायदे कानून से तुमने इस बच्चे को गिरफ्तार किया है तो मैं भी कायदे और कानून से इस बच्चे को यहां से छुड़ा कर ले जाऊंगा और अगर ये गिरफ्तारी फेक है तो फिर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। सर, हम उस लड़के को अरेस्ट करके यहां लेके आए हैं। नहीं नहीं अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। काका काका जरा इनसे कहिए कि मेरे अगेंस्ट लिखी एफआईआर तो दिखाएं। आप अब जो भी हो मैं आपको एफआईआर क्यों दिखाऊं? इसका मतलब तूने एफआईआर नहीं लिखा है ना? इसका जवाब तू किसको देगा? होम मिनिस्टर साहब को? ना, तेरी औकात नहीं है। तेरी औकात सिर्फ कमिश्नर साहब तक के है ना? हेलो। हाँ कमिश्नर साहब, कैसे हैं आप? भाई मैं तो अच्छा हूँ, आपके शहर में हूँ। अपना एक बच्चा है ये पुलिस स्टेशन में। हाँ, मिस्टर मोहन शिंदे ने इसे गैरकानूनी तौर से गिरफ्तार किया है। जरा बात कर लीजिए, एक मिनट। हेलो के हाँ नमस्कार सर, इंस्पेक्टर शिंदे बोलते हैं। नहीं सर, वो एसपी साहब ने। हाँ छोड़ता हूँ सर, अभी छोड़ता हूँ। जी हाँ सर, जय हिंद सर, जय हिंद। झाला तुझा? थैंक्स काका। देखिए इसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं लेकर जाता हूँ, मैं इसको अपनी गाड़ी में लेकर जाऊँ। अरे मेरा फोन इंस्पेक्टर के पास है। समीर फोन लेकर। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो। रोशनी यश जोकर, लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तुम ये सब। पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे। और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना। तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? नहीं पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं मां साहब, हम
कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।